नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, करण जौहर की मच अवेटेड फिल्म कलंक में माधुरी दीक्षित का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में माधुरी दीक्षित का नाम बहार बेगम होगा, जो एक निपुण डांसर होंगी। पोस्टर में माधुरी दीक्षित का लुक देवदास की चंद्रमुखी की याद दिला रहा है। वैसे माधुरी ही एक ऐसी डांसर बॉलीवुड में बची हैं जो म्यूजिक के रिदम को बखूबी पकड़ती हैं। आपको तो याद ही होगा दोस्तों, उन्होंने फिल्म आजा नचले से ही बॉलीवुड में कमबैक किया था और इस फिल्म में खूब जोर का नाची थी माधुरी दीक्षित। और डेढ़ इश्किया में उनका गाना हमरी अटरिया पे उसको भला कौन भूल सकता है, तो इस फिल्म कलंक में भी वो इसी डांसर के अंदाज में नजर आएंगी। फिल्म के पोस्टर से ही साफ है कि करण जौहर एक दमदार कहानी पेश करने वाले हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फिल्म कलंक से जुड़ी जानकारियां धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अभी हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था। फिल्म में वो सत्या चौधरी के रोल में नजर आएंगी। आलिया भट्ट का लुक भी रिलीज किया गया था। फिल्म में आलिया भट्ट का नाम रूप होगा। उन्होंने लाल रंग का लहंगा हैवी ज्वेलरी के साथ कैरी किया है। फिल्म के कैरेक्टर्स को धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जारी किया जा रहा है। वरुण धवन का लुक रिलीज करने के बाद निर्माताओं ने कलंक से आदित्य रॉय कपूर का लुक रिलीज किया था। उससे पहले फिल्म कलंक के निर्माताओं ने संजय दत्त का लुक रिलीज किया, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी में नजर आ रहे हैं और उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। फिल्म में संजय दत्त का नाम बलराज चौधरी होगा। वैसे फिल्म कलंक में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को एक साथ लाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस काम को आसान बनाया करण जौहर ने। चलिए दोस्तों, अब आपको जाते जाते कलंक के बारे में भी कुछ बताते चलते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक मिस्ट्री फिल्म है जिसमें रहस्य और रोमांच का पूरा मसाला होने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक बात और आपको बता दें जो आपको शायद पता नहीं होगी, कि इस फिल्म के लिए करण जौहर की पहली पसंद शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, अजय देवगन और काजोल थे। रणबीर कपूर को भी इस फिल्म के लिए काफी मनाया गया, लेकिन वो फिल्म में शामिल नहीं हुए। खैर, जो बीत गई सो बात गई, अब पुरानी बातों को याद करके फायदा क्या। और अब जब माधुरी दीक्षित का फिल्म कलंक से फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है, तो हम तो यही दुआ करेंगे कि फिल्म कलंक एक सुपर हिट फिल्म साबित हो और करण जौहर की ये मल्टी स्टारर मूवी, जो 17 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है, बॉक्स ऑफिस पर धमाल कलेक्शन करे।